मदन फैमिली। अभी जो है ना मेरे बराबर में जो है ना दो वाधुकियां खड़ी हुई है ना, तो अभी नहीं मैं तेरे को बाद में बताती हूँ, ठीक है? कॉल बैक, आई कॉल बैक यू। मेरी बात सुनो, आज मेरे को तुम दोनों से है ना बहुत जरूरी बात करनी है। लग रहा है अंगूरी माँ ना अपनी ज्वेलरी हमारे नाम करने वाली है। बहुत ही किसी को जू मार के रहते और आप ज्वेलरी की बात कर रही है। बात सुनो, तुम लोग हमेशा मेरे को बोलती थी दादी हमेशा दो नंबर काम करती है, एक नंबर काम कभी नहीं करती, तो देखना आज से सारे गलत काम बंद। क्या बात कर रही है अंगूरी माँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। क्यों यकीन नहीं हो रहा? मैं क्या चांद पे जाने की बात कर रही हूँ? सूरज मगरिब से निकल सकता है लेकिन आप क्या मतलब? इनका मतलब है अब आप क्या करने जा रही हैं? जो लड़कियां करती हैं वो मैं करूंगी। चुगलियां तो तुम लड़कियां करती हो, मैं तो करूंगी बिजनेस। कौन सा बिजनेस? सिलाई का बिजनेस, कपड़े सीऊंगी। अरे मेरे हाथों में तो ऐसा जादू है, एक बार जो मेरे से कपड़े सिला लेना मेरे हाथ चूमता रह जाएगा और वापस कपड़े सिलाने भी मेरे पास ही आएगा और अपने कपड़े फड़वाने भी मेरे पास आएगा। क्या वाकई आपको सिलाई आती है? तो क्यों नहीं आती, थोड़ी थोड़ी भूल गई है, दिमाग में से निकल गई है, लेकिन मेरे को पता है कि बखिया कैसे लगता है, उधेड़ना कैसे, लगाना कैसे। दिन में लो, अब हो गया बिजनेस। यार जिंदगी कितनी बेजार हो गई है। हाँ ये तो है, अब तो कहीं मन ही नहीं लगता। भाई जिस काम में मन ना लगे ना वो छोड़ देना ही चाहिए। तू क्या चाहता है मैं मर जाऊं? मैं तो सिर्फ आपकी भलाई का सोच रहा था। ओ रेने रे भाई, अपने भले का सोच, हमारे भले की फिक्र ना कर। आप वैसे कोई काम क्यों नहीं कर लेते? काम तो मैं करता हूँ और जब भी कोई काम करता हूँ नजर लग जाती है यार। मैं समझा नहीं। तू समझेगा भी नहीं, इसके लिए मैं तुझे किताब लिख के दूंगा सुस्ती के मारे। आप कोई जेल में बैठे हुए कैदी है जो सलाखें गिन गिन कर मुझ पे किताब लिखेंगे, इसके लिए भी तो आपको कोई काम करना पड़ेगा। हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ क्या करूंगा अब? आप एक काम करो, कुछ नहीं करो, हम चलते हैं दादी के पास, वही हमें बताएगी कि हमें क्या करना है। इट इज ब्रिलियंट आइडिया। हाँ तो चलो चलो, आ जाओ। मेरी बात गौर से सुनो ए बुढ़ी बहू और सुल्तान, तू बोलता था ना मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं वो काम नहीं करूंगा, बस आज से मैंने ऐत कर लिया कि मेरे सारे गलत काम मैंने बंद करने। गलत काम तो आप पहले भी नहीं करती थी अंगूरी माँ। ये तो तेरा दिल है ना मेरे लिए, मैं क्या कह सकती हूँ, वो तो आप हमसे करवाती थी। तो तुम लोग तो गलत काम भी जो है ना गलत तरीके से नहीं करते थे, वो भी सही नहीं करते थे। वैसे दादी मैं इस नेक काम में आपके साथ हूँ। तो मेरा बच्चा पहले नेक काम सुन तो ले के काम क्या है नेक, मैं पहले ही आपके साथ हूँ। हैं? वैसे आप करेंगी क्या? बस मैंने सोच लिया बुढ़ी बहू कि मैं गारमेंट्स की फैक्ट्री लगाऊंगी। चलो ये तो बहुत अच्छा हो गया, मैक्सी और फराके तो मैं आपसे ही सिलवाऊंगी फिर अपनी। तो सलवारें दूसरे दर्जी से सिलाएगी? नहीं आपको ही दूंगी ना। हाँ आपको ही दूंगी, मेरे को सारे ऑर्डर मेरे को मिलने चाहिए। वेरी गुड दादी, वैसे आपका ये काम मुझे समझ आ रहा है, इस काम में इन्वेस्टमेंट कितनी होगी? कोई इतनी ज्यादा नहीं है, मेरे बच्चे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हिसाब करके बताती हूँ। 5 मशीनें आएंगी, फिर तुरपाई का काम, फिर कुछ छोकरियाँ चाहिए होंगी, कुछ अपने कटिंग वाले मास्टर चाहिए होंगे, ये तकरीबन 5 लाख रुपए लगेगा। 5 लाख? 5 लाख बहुत ज्यादा नहीं है। तू क्यों बोलती है, वधू की बीच में बोलना जरूरी है तेरे को? चुप करके बैठी रहे। बात सुन सुल्तान, अगर तुझे करना है ना मेरे साथ तो यस बोल, नहीं तो मैं फिर वही 2 नंबर काम शुरू कर। नहीं दादी वैसे मुझे आप पर पूरा भरोसा है। चलो ठीक है, तो एक काम कर मेरे अकाउंट में जो है ना 5 लाख रुपए ट्रांसफर कर। हाँ दादी मैं अभी बाहर जाता हूँ, इजी लोड की दुकान से ना ट्रांसफर करवा देता हूँ। मुआ मरी भी फाटी पिया तो का शर्म ना है नहीं, मैंने अपने इजी लोड के लिए नहीं बोला, मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपए बोला है। हाँ दादी वो करवा देता हूँ। जा मेरा बच्चा, जल्दी जा, मेरी कमर में कब से कील चुभ रही है। तो दादी आप फिर जगह चेंज कर लें ना। तो मेरे बराबर में कोई है नहीं कि उससे जगह चेंज करे। चलो चलना, उठना भी टूकी कर, चल निकल इधर से, मेरे को बैठे बैठे देख रही, मेरा मुंह है वो टीवी नहीं है कि क्रिकेट का मैच आ रहा है देख रही है, तेंदुलकर कितने रन बनाएगा ये रही है। तो अच्छा मुंह नहीं है तुम्हारा जो मैं बैठ के इसे देखती रहूं। चल चल टूकी करने। क्या तू लंदन जा रही है? कब? आज ही? चल फिर ठीक है, मैं तुझसे मिलने आ रही हूँ शाम में। ओके अल्लाह हाफिज़। अरे बेगम कहीं जाने की बातें हो रही है? हाँ जी मेरी दोस्त है वो लंदन जा रही है, तो मुझे उससे मिलने के लिए शाम में जाना है। अच्छा खुशी खुशी जाए, लेकिन अपना ध्यान जरूर रखिएगा।
आप मेरी बात सुन लें गौर से। जी सुनाए। आपने दादी के हाथों बेवकूफ नहीं बनना और ना ही उनके किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना है। मगर बेगम। अगर मगर कुछ नहीं, ना तो ना। खैर बहुत देर हो गई है, हटे रास्ते से, मुझे जाना है। जी बेगम, इनके पहुंचने से पहले मुझे गाड़ी का दरवाजा भी तो खोलना है। बेगम रुक जाइए, बेगम बेगम। वैसे रीता कैसे आई हो? रिक्शे से? अरे मेरा मतलब है कैसे आना हुआ यार, इट्स बीन सो लॉन्ग, हमें मिले हुए कितना वक्त हो चुका था, तो आई थॉट कि लेट्स मीट अप। और मुझे तुम्हें एक खुशखबरी भी देनी है। नो वे, तुम माँ बनने वाली हो? क्या हो गया है, मेरी तो शादी भी नहीं हुई है अभी तक। अच्छा मतलब तुम्हारी शादी होने वाली है। उफ किरण, क्या दुनिया में यही खुशखबरियां रह गई हैं? हाँ ना, हमें तो सिर्फ इन दो ही खुशखबरियों का पता है। यार आई एम लॉन्चिंग माई ओन ब्रांड। मतलब तुम पापड़ बेचोगी? तो लेकिन कितना बुरा लगेगा रीदा पापड़ वाली। पापड़ नहीं, क्लोदिंग ब्रांड, और उसी के सिलसिले में मैं यहाँ आई हूँ मिलने के लिए। थैंक यू सो मच, लेकिन मेरा कोई इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जितना हो सका मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगी। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू, लेकिन मैं यहाँ तुमसे मिलने नहीं, अंगूरी दादी से मिलने आई हूँ। अंगूरी दादी से? हो गया काम। दादी माँ ये घर छोड़कर जा रहे हैं, प्लीज इन्हें रोके। अरे कोई काम तो इसको अपनी मर्जी से करने दे। मेरा कहने का मतलब ये कि ये घर छोड़कर जा रहे हैं। अच्छा जा रहा है? हाँ। ए भाई वापसी में है ना, मेरे लिए ना पान लेके आना, चल। हैं? अभी तो 20 पान लेकर आया था। वो तो खत्म हो गए। क्या आप 20 पान खा गई? अरे किसने 20 पान खाए, लाइट आ रही है जा रही है, फ्रिज में फोत हो गए, मर गए पान मेरे सारे। वैसे दादी ये तो चाहता ही है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, ताकि ये मेरे इस महंगे वाले चश्मे पे अपना कब्जा जमा ले। झूठ झूठ, अभी तो आप खुद कह रहे थे कि मेरा यहाँ दिल नहीं लगता, मैं जा रहा हूँ। हाँ तो सही बोल रही है, इस बेचारे का दिल कैसे लगेगा, रमजान में पूरा महीना इसका दोस्त कैद रहता है, अभी तक बेचारे की जमानत नहीं हुई तो दिल कहाँ से लगेगा। ए, 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 ए। चल तू टेंशन नहीं ले, हंसने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम दोनों के लिए एक काम ढूंढ लिया। लेकिन काम तो एक है, हम दो हैं। मेरा काम भी तू कर लियो भाई। तू मेरे को इसका पता है ना, देखो मैं कर रही हूँ गारमेंट फैक्ट्री का काम, और तारिक रोड पे एक अच्छा सा शीशे वाला बूटीक खोल रही। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो सुई में धागा डालूंगा। अबे वो तो हर कोई डाल लेता है, मेन काम सिलाई करना है, वो तो हमें आती नहीं है। अरे सिलाई के लिए मैं कारीगर रख लूंगी, तुम लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, समझे। तुम लोग कोई काम नहीं करना, तुम लोग बुटीक में शीशे में है ना, वो पुतले नहीं होते डमी बन के खड़े हो जाना, फराक पहन के डमी बन के, डमी बन के। नहीं दादी मुझसे तो ये काम भी नहीं होगा। अरे तो तेरे को उसमें काम क्या करना है, खाली यूं होके खड़े रहना है, कारीगर आएंगे कभी उठा के यहाँ रखेंगे, कभी उठा के यहाँ रखेंगे, तुम्हारा बाजू निकल जाएंगे, तो बस चलो चलो भाड़ में गया ये काम भी। तुम लोग कुछ नहीं करना, डमी में खड़ी कर लूंगी, तुम लोग सुबह सुबह बिस्मिल्लाह के टाइम पे दुकान खुले ना, हाँ। तो चक्कर लगा लेना दुकान का और फिर चले जाना, ताकि मैं सारा दिन मुतमिन होकर रहूं कि आज धंधा नहीं होगा। ये भी मुश्किल काम है दादी, ये भी मुश्किल काम है। ए दुनिया के नाकाम तरीन, दोनों मेरी बात गौर से सुनो, 7-8 सूट आ जाए ना तो उनको फौरन डिलीवरी कर दो। लेकिन दादी माँ हमारे पास तो अभी तक कोई ऑर्डर ही नहीं है। अरे ऑर्डर की काय को लेनी है टेंशन, एक ट्रिक होती है, टाइम पे कपड़ा कभी भी कस्टमर को नहीं दो। टाइम पे कस्टमर को कपड़ा दोगे तो वो बोलेगा कि ये तो फारिग लोग हैं। और अगर एक साथ कोई 8-10 डिलीवरी करनी पड़ गई तो फिर हम कैसे देंगे? रोक लो, क्योंकि जो कस्टमर को टाइम पे कपड़ा दोगे ना तो वो बोलेगा कि ये तो दर्जी ऐसे ही है, रोक के रखो कि भाई अभी हम लोग बहुत मसरूफ है, बहुत लोड है काम का। तो दादी कपड़े देने ही नहीं है क्या उनको? देने हैं, थोड़ा उनको परेशान करना है, एंड टाइम पे नहीं दो, उनको बोलो भाई अभी कपड़े बन रहे हैं, सबर करो। हाँ ये कोई ऐसी दुकान नहीं है कि फॉरन डिलीवरी हो जाए। अभी हमारे तुम्हारी कमीज का काज नहीं बना, हमारे बेटे के घर में काज है, पैंचे नहीं बने, जिब नहीं लगी, इस तरह रोक के रखने के का उसको। दादी ये मेहमान है। दादी ये मेरी दोस्त है और खास आपसे मिलने आई है। एक कपड़े से लाने के लिए आई? हेलो दादी, मुझे एक्चुअली पता चला था कि मेरी फ्रेंड के घर पे क्लोथिंग का काम स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से जाके मिल लूं। थैंक यू, मैं तेरे कपड़े सिला दूंगी बेटा। नहीं मुझे कपड़े नहीं सिलवाने, मैं एक्चुअली अपना नया ब्रांड लॉन्च करने जा रही हूँ, तो उसी सिलसिले में आपसे मिलना चाहती थी। अच्छा अच्छा अच्छा। पार्टी बिजनेस देखो अल्लाह सुनने वाला है, ये बिजनेस की बातें इतने आदमी में नहीं होती, बिजनेस की बात करनी है तो मेरे ऑफिस में चल, चल मेरे साथ आ जा। जी तेरे को मेरा ऑफिस कैसा लगा? ऑफिस तो बहुत खूबसूरत है आपका। चल जूती
ये तो मेरा कमरा है। असल में वो हम लोगों ने काम नया नया स्टार्ट किया ना, इसीलिए दादी कमरे को ही ऑफिस कह रही है। नहीं, इट्स गुड। एक्चुअली आई एम लॉन्चिंग माई न्यू ब्रांड, अ क्लॉथिंग ब्रांड, रिदावियर। रिदावियर? ये तो बहुत चलेगा, बहुत चलेगा ये। अच्छा। हाँ, अगर अमजद वियर होता ना तो नहीं चलता, लेकिन रिदा वियर है ना तो ये बहुत चलेगा, क्योंकि लोग तो देखते हैं रिदा ने क्या पहना है, कौन सी चीज लॉन्च कर रही है, रिदा रिदा हो जाएगा। अरे ऐसा चलेगा तू देखना। लेकिन दादी एक मसला है। अब क्या मसला है, तेरे पास कपड़े नहीं है? नहीं नहीं, कपड़े तो है मेरे पास, लेकिन। लेकिन क्या? पैसे नहीं है। पैसे नहीं है? ये कोई मसला है? इन्वेस्टर है ना? किधर है दादी? इन्वेस्टर है हमारा। नहीं दादी, मुझे उज्मा ने बिल्कुल मना किया कि मैं मजीद आपके साथ कोई इन्वेस्टमेंट ना करूं। तो तेरे को क्या हो गया, कितनी खूबसूरत लड़की है, हैं? अगर तू मना कर देगा तो ये तो मायूस हो जाएगी जिंदगी से, खुदकशी कर लेगी, फिर इसको पकड़ेंगे अपन के नहीं डूब, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तो इसको मरने से बचा ले, काहे को ऐसी बातें करता है तू? प्लीज सुल्तान, मान जाए ना मेरे लिए। दादी कितने पैसे देने हैं बोले? हिसाब लगा के तेरे को मैं बता दूंगी। अभी फिलहाल तू एक काम कर, तो खुशी की बात है ना, तो तू मिठाई ले आ, समोसे ले आ, पकोड़े ले आ, सब्जी ले आ, क्योंकि मेरे बाप का फाती है ना, तुम्हें वो दे दूंगी। दादी मैं सब कुछ ले आऊंगा, लेकिन उज्मा को पता ना लगे कि मैंने आपके साथ मजीद इन्वेस्टमेंट की है। मैं अंगूरी हूँ, उज्मा को पता क्या, उज्मा का पत्ता ही काट दूंगी। आपको तो शुगर है, आपके लिए तो शुगर फ्री, और इसके लिए बिल्कुल फ्री। चल खोटी नहीं करना दिमाग, आप जाइएगा मत, मैं यूं गया और यूं आया। जल्दी जल्दी निकल, लड़की को देख के ने फौरन फिसल गया। थैंक यू दादी, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं बेटा, मेरा तो ये फर्ज है, अब तुम जवान लड़कियां फैक्ट्री में जाके धक्के करोगे, ये करोगे, इससे बेहतर अपना कारोबार करो, कितना अच्छा लगेगा। रिदा वेयर, और हम बोलेंगे रिदा हेयर। यही बातों का तो तुम लोगों को पता नहीं, दर्जी मशहूर अपने काम से नहीं होता, अपने टाइम से होता है। जो दर्जी जितना लेट कपड़े देता है वो उतना ही बड़ा दर्जी होता है, समझे तुम लोग? वाह मुजाहिद, यकीन नहीं आ रहा कि तू इतनी अकलमंदी की बातें करेगा। अरे भाई ऐसा करेंगे हम, फालतू लेटे बैठे रहेंगे, कपड़े है ना बकरा ईद को ही देंगे अब हम उनको। एक तो अकेले समझदार होना भी मुसीबत है। भाई मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो आप लोग को, नया कारोबार मुबारक हो। खैर मुबारक, खैर मुबारक। आईजी साहब आ गए, आईजी साहब आ गए, अब देखना हमारा काम बहुत अच्छे से चलेगा। क्यों, ये कोई जनरेटर है जो काम अच्छे से चलेगा? यार समझे नहीं ना, अब हमारे काम को किसी की नजर नहीं लगेगी। क्यों आईजी साहब नजर बट्टू है क्या? ये बताओ तुम लोगों ने काम क्या शुरू किया है? सीने का, सीने का, सीने का। क्या कसाई की दुकान पे खड़े हो? सीने का, पुट्ठे का नहीं, कपड़े सीने का। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो खुद कपड़े लेके फिर रहा हूँ दर्जी को ढूंढने के लिए, अब आप लोगों ने सिलाई का काम शुरू कर दिया है, ये मेरे कपड़े भी सी देना। देखे आईजी साहब, कपड़े तो हम सी देंगे, लेकिन पैसे लेंगे, दोस्ती यारी अपनी जगह है। तो भाई पैसे मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन ताल्लुकात बेस के ऊपर तुम थोड़ा बहुत डिस्काउंट तो करोगे ना? अरे आईजी साहब, ताल्लुकात तो मैं लगा ही दूंगी अपनी तरफ से, आप सिर्फ पैसे ढीले करें। अरे बेफिक्र हो जाओ फिर तो। जैसे आपको कैसा लगा? कौन, चांद का टुकड़ा? लेकिन मुझे तो यहाँ कोई चांद का टुकड़ा नजर नहीं आ रहा। अगर आप इधर देखेगी तो आपको दिखाई देगी। अरे वैसे आपको पसंद क्या है? आई लव कॉफी। मुझे भी प्यार से लोग कॉफी ही कहते हैं। अरे कॉफी तो बहुत कड़वी होती है, आप मेरे साथ चले मैं आपको जूस पिलाऊंगा। एक्सक्यूज मी, इसके साथ मत जाना, कल भी ख्वाजा सरा को साथ ले गया गन्ने का जूस पीने के लिए, कहने लगा जल्दी से दो गिलास लगा दो मैं फैमिली के साथ हूँ। वैसे आप ये तो बताएं, आप क्या इंस्टा पर हैं? फिलहाल तो मैं कराची में हूँ। एक्सक्यूज मी, मेरी कॉल आ रही है। यार इसकी कॉल आ रही है, हमें तो कंपनी के मैसेज आते हैं खाली। अरे छोड़े ना आप, कहाँ आप चौथी फेल और कहाँ वो MBBS। दिल में और मोहब्बत में ताली नहीं देखी जाती। देखिए मुशायद भाई, अब मैं आपको प्यार से कह रहा हूँ, आप उस लड़की को अपने दिल से निकाल दें। तू तेरी क्या पप्पो की लड़की है? नहीं, वो आपकी होने वाली भाभी माँ भी हो सकती है। अब चुप हो जा, वैसे ही तू इतना हिलता है एक मारूंगा मर जाएगा। ये आपकी सोच है, सोच आओ पुगम करते हैं। अरे तीसरा हाथ कहाँ है? ये लो एक और हाथ आ गया। अच्छा
मैं जीत गया, मैं जीत गया। कहाँ से जीत गया? तीनों सीधे हाथ आए। मैंने बोला ना मैं जीत गया, मेरे दो हाथ थे, दो हाथ थे। तू जीत गया, तुझे मैं हार गया। आ जाओ भाभी माँ को लेकर आते हैं। काम हो गया? हाँ हाँ भाई, सारा काम कर लिया, खाना भी पका लिया, सफाई भी कर लिया, अब और कौन सा काम रह गया करने का? अरे मैं अपने काम की बात कर रहा हूँ। आपका कौन सा काम था? अरे जो मैं कपड़े दे के गया था उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो साफ साफ पूछो ना कि मेरे कपड़े सिल गए या नहीं सिले। वही तो पूछ रहा हूँ इतनी देर से, और क्या पूछ रहा हूँ। वो सब तो अंगूरी माँ को पता होगा ना कि सिले या नहीं सिले, और आप अभी तो देकर गए, ऐसे थोड़ी होता इतनी जल्दी कपड़े थोड़ी सिलते, अभी देके गए और अभी सिल जाएंगे। तुम्हें कैसा लगा? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, ये तो कुछ भी नहीं लगा। मेरा उधर आना और तुम्हारा मुझे देख के शर्माना। आपसे एक बात बोलूं मैं? बोलो बोलो। कदर खो देता है रोज का आना जाना, समझे? बात नहीं करनी तो ना करो, ये कौन सा बहाना? यार तुम्हारे घर पे मिनरल वाटर नहीं है क्या? मेरा तो ये पानी पी पी के पेट खराब हो जाएगा। भाई हम तो यही उबला हुआ पानी पीते हैं। अरे नहीं नहीं, हम भी मिनरल ही पीते हैं, वो असल में ना पानी खत्म हो गया तो यही पानी पी रहे हैं। अच्छा सुनो, मैंने तुमसे एक बात करनी थी। वो मैंने तुम्हें ये कहना था कि मैं घर में फ्री होती हूँ। मैं भी बिल्कुल फ्री होती हूँ। आप कर ले बात, क्यों क्या मैं फ्री नहीं होती? अरे इन्हें छोड़ो, ये तो हर किसी से फ्री होती हैं। मैंने तुम्हें ये कहना था कि जो तुमने न्यू ब्रांड ओपन किया है उसमें कोई मेरे लिए जॉब होगी, और पैसे वैसे की कोई टेंशन नहीं है, आई डोंट केयर। यार किरण तो मेरी बचपन की दोस्त हो यार, तो तुम ही मेरी ब्रांड की मैनेजर होगी ना, और जाहिर सी बात है कि मैनेजर के पास गाड़ी तो होगी। ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच मेरी जान। और बेबी, जो अभी थोड़ी देर पहले दोस्त बना, उसके लिए कोई जॉब होगी? हाँ हाँ जरूर होगी, चौकीदारी की जॉब। अरे किरण ऐसा नहीं कहो, बिल्कुल आपके लिए भी मैं कुछ ना कुछ जॉब जरूर ढूंढूंगी। और गाड़ी वो भी हो जाएगी। हाय अल्लाह कितनी अच्छी, मिल जा वाटर मंगवाती हूँ अभी तेरे लिए, रुक जा। दादी माँ, दादी माँ, कैसा दबा रहा हूँ, कैसा दबा रहा हूँ? तू तो मेरी किस्मत की सारी लकीरें दबा दी तू। वो तो पहले ही दबी हुई थी। मेरा मतलब है आपको भी जोड़ा सिलवाना होगा तो? जी मैं माप ले लूं, माप ले लूं। ओ भाई पहले मैंने पूछा, मैं नाप लूंगा, मैं लूंगा, मैं लूंगा, मैं लूंगा, मैं लूंगा। तुम दोनों कहां से नाप लोगे बदतमीज? ए बिल्ली के आखिरी छीछड़े, कोई जरूरत नहीं है मेरी बिजनेस पार्टनर को डिस्टर्ब करने की। देखिए आप लोग लड़ाई नहीं करें, मैं आप लोगों को अपने कपड़े दे दूंगी, आप नाप ले लीजिएगा। अच्छा आप मुझे बताएं, जो सूट आप मुझे देंगी उसमें तो आप होंगी ना? ए सुल्तान, बाकी के पैसे जल्दी ढीले कर, 3 लाख इंटीरियर के और 3 लाख जो है ना डिजाइनिंग। 3 लाख इंटीरियर के? अरे कोई मजाक हो रहा है, ब्रांड लॉन्च हो रहा है समझे, और ये जो 3 लाख रुपए एडवर्टाइजिंग है ये सोशल मीडिया का दौर है आजकल, इलेक्ट्रॉनिक दौर है, कोई मस्जिद से ऐलान थोड़ी कराना है कि भाई ये हो रहा है समझे, तो खर्चा तो होता है ना। नहीं दादी, 3 लाख भी तो बहुत बता रही हैं आप। लेकिन आजकल इतना बजट चलता है। थैंक यू जीजा कला, अकेली दबा बोली। भाई देखें, आप लोग मुझे पहले ही क्लियर कर दें कि आप लोगों का बजट है भी या नहीं, क्योंकि मेरे पास और इन्वेस्टर्स भी मौजूद हैं और मेरा पहला ब्रांड लॉन्च होने जा रहा है, तो मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। अरे क्या बात कर रही हो, फिक्र ना करे, पैसा तो बहुत है सुल्तान भाई के पास। सुल्तान भाई? हाँ पैसा तो है मेरे पास। आओ अंगूरी, कपड़े सिल गए मेरे, फट गए थे पहले। नाजू यहाँ क्या कर रही है? अरे आईजी साहब, लगता है उम्र के साथ साथ आपका हाफजा भी खराब हो गया है। ये नाजो नहीं बल्कि ये तो रेधा है। मैं आईजी हूँ, मेरी याददाश्त कमजोर नहीं है। ये नाजो है, नाजो मैं अच्छी तरह जानता हूँ, ये यहाँ क्या कर रही है? ये तो अपना ब्रांड लॉन्च कर रही है दादी के साथ मिलकर, और सुल्तान भाई इन्वेस्टर हैं। अंगूरी तुम दुनिया को पागल बना सकती हो, सुल्तान को पागल बना सकती हो, लेकिन मुझे नहीं। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं इस लड़की को अच्छी तरह से जानता हूँ, ये पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है, और मेरा हाफजा अगर कमजोर नहीं है तो ये अंगूरी के साथ मिलकर के सुल्तान को भी लूट रही है। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता, ये मेरी बचपन की दोस्त है। आप अपनी दोस्त से खुद पूछ लें। क्यों रीदा, क्या ये सच है? मुझे मना भी किया था उस्मान ने कि दादी के साथ मिलकर कोई भी नई इन्वेस्टमेंट नहीं करना, लेकिन इस दिल के हाथों मजबूर होकर मैंने तुम पर भरोसा किया रीदा। मेरा पहला प्यार फिर अधूरा रह गया, पर भी मेरा पहला प्यार फिर अधूरा रह गया। मेरा तो पहला और आखिरी प्यार तुम थी, ये तुमने क्या किया? अबे खरगोश, मेरा नहीं हमारा बोल। अबे चल बकरी भाग। अबे अंगूरी अब तुम्हारा क्या होगा, अब तो लड़की गवाह भी मौजूद है, अब तुम कैसे बचोगी? मेरा भी पहला और आखिरी ईमानदारी का काम
ऐसे ही रही है। मैं क्या करूंगी आई जी, मैं भी वहीं जाऊंगी जा जाती हूँ। दादी तो गई, पूरी चली गई तो क्या हुआ, ये तो मौजूद है, इसे पकड़ो।